नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो मेंटेनेंस के ऊपर ही है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जो आपके लिए, जो पति का पक्ष है, जो पुरुषों का पक्ष है, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ठीक है? बहुत ज़रूरी वीडियो है। आप लोगों पर जिन पर केस चल रहे हैं, ज़रूर काम आएगा। पहली बात तो ये दोस्तों कि मेंटेनेंस हमारे जो कानून बने हुए हैं उनमें मेनली तीन एक्ट ऐसे हैं जिसमें मेंटेनेंस का केस आप पर लगता ही है। अगर किसी पे उसकी वाइफ ने केस लगाया है तो ये तीन एक्ट ऐसे हैं, या तो तीनों लग जाएंगे या कोई दो लगेंगे या फिर एक लगेगा। CRPC 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके तहत आपको भरण पोषण लगता है धारा 12 के तहत, और उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट धारा 24-25। ठीक, ये तीन ऐसे एक्ट हैं जिसके तहत आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। एक चीज़ ध्यान रखें, मेंटेनेंस का कोई भी केस जब आपके ऊपर चल रहा हो तो उस केस के अंदर शुरुआत से ही आपको हावी रहना है कोर्ट के ऊपर भी और अपोजिट पार्टी यानी अपनी पत्नी के ऊपर भी, ठीक है? शुरुआत से ही आप, सीधी सी बात है, जब आप पे केस लगता है मेंटेनेंस का, तो शुरुआत से ही आप अपने केस से संबंधित हर तरह के एविडेंस जो हैं उसको कलेक्ट कर लें। वकील के चक्कर में ना पड़े, वकील आप करें, वकील आपको करना पड़ेगा, वकील अपना काम करेगा, लेकिन जो गलतियां होती हैं वो यही होती हैं। हर मेंटेनेंस के केस की एक ही कहानी है, एक ही प्रॉब्लम है, बेस बिगड़ा हुआ है। शुरुआत में आप ध्यान नहीं देते, वकील साहब को चाहिए फीस, वकील साहब को कोई मतलब नहीं है, केस चल रहा है। और जब फाउंडेशन बिगड़ जाता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि आगे दिक्कत आना ही है, ठीक है? शुरुआत में ही उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है? अगर अभी भी, जैसे कि मेरे वीडियो आप लोग कई लोग देख रहे हैं, ठीक, जहाँ तक भी वीडियो जा रहा है, तो अगर अभी भी इंटरिम स्टेज पे आपका केस है, इंटरिम ऑर्डर हुआ है, मैं मान लेता हूँ आपके केस में, फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है मेंटेनेंस वाले मामलों, कोई सा भी हो, चाहे घरेलू हिंसा धारा 23 के तहत हुआ हो या 125 में हुआ हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि इंटरिम के बाद फाइनल ऑर्डर आने में सालों का समय लग जाता है, कई साल निकल जाते हैं। अभी भी अपने सबूतों को स्ट्रांग कीजिए। मेंटेनेंस केस में एक चीज़ ध्यान रखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है भरण पोषण के मामलों में, ठीक है, क्या कहा है, सिंपल से एक इसमें जो जजमेंट है, भूषण कुमार मीन वर्सेस मानसी मीन, ठीक है, ये इस जजमेंट में हुआ ये था कि इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ था, और इंटरिम मेंटेनेंस जब ऑर्डर हुआ तो जो हस्बैंड था उस पर 10,000 समथिंग का इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ था। हस्बैंड की सैलरी थी 32,000 रुपये, शायद ये पंजाब का मामला है मेरे ख्याल से। तो फैमिली कोर्ट ने पति के ऊपर 10,000 इंटरिम ऑर्डर किया, मतलब कि अंतरिम अगर 10,000, तो फाइनल जो ऑर्डर होगा तो वो 20-18 के आसपास होगा, 25 भी हो सकता है। तो पति को इस पर ऑब्जेक्शन था, पति ने हाई कोर्ट में अपील करी, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जजमेंट को सही ठहराया। हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने जजमेंट देने में कुछ भी गलती नहीं करी है। इसके बाद भी पति ने हिम्मत नहीं हारी, पति सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में पति ने पूरी तरीके से, हालांकि उसने पहले भी जिला कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में अपने केस को अच्छे से पुटअप किया था, लेकिन फैमिली कोर्ट के जजों की समस्या यह है कि वो केस को बिगाड़ते हैं जानबूझ के। यही कारण था कि पति सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में जो उसने फैमिली कोर्ट में सबमिशन डॉक्यूमेंट का किया था, जो प्रूफ उसने दिए थे, वही प्रूफ उसने सुप्रीम कोर्ट में दिखाया। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बारीकी से, सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को एग्जामिन करता है, ये बात तो हमें मानना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ को देखा। उस पति ने बताया कि सर, मेरे ऊपर बैंक का कर्जा है, लगभग मेरी 21,000 रुपये किस्त चली जाती है बैंक में,
मेरी 32,000 रुपये सैलरी है, उसके बाद मेरा खुद का खर्चा, मेरे साथ मेरे माँ बाप भी रहते हैं और मेरी 32,000 सैलरी है। अगर मैं 21,000 बैंक में दे दूंगा और 10,000 अपनी वाइफ को दे दूंगा तो सर मेरे पास क्या बचेगा? 1,000 रुपये में सर कोई अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, अपने माँ बाप का भी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद साफ साफ कहा कि इन दिस जजमेंट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज एबसेंट वेदर इट्स हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट हो या फैमिली कोर्ट हो, दोनों ने ही जजमेंट देने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, मनगढ़ंत जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसमें ऑर्डर कर दिया, जो 10,000 का ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5,000 कर दिया। इससे उस व्यक्ति को काफ़ी रिलीफ मिली। तो सीधी सी बात यह है कि आप पर अगर ऑर्डर हो जाता है, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, क्योंकि वहाँ तक जाने में दोस्तों दिक्कतें बहुत हैं, पैसा बहुत खर्च हो जाता है। लेकिन हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा है और आप साल का 5 लाख या उससे कम कमाते हैं, 5 लाख या उससे कम, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त का वकील मिलेगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मुफ्त का वकील मिलेगा उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं लीगल एड डिपार्टमेंट, जिसको नालसा भी कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सुप्रीम कोर्ट में इसका ऑफिस है। वहाँ जाकर एप्लीकेशन देनी है कि मुझे एक मुफ्त का वकील दिलवाया जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरी सालाना इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में आपको एक मुफ्त का वकील मिल जाएगा, इससे आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई इसलिए नहीं जाता है, उसको लगता है कि यार खर्चा बहुत हो जाएगा। ये बात सही, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई प्राइवेट वकील करते हैं तो सीधी सी बात है, वो 1-1.5 लाख से कम में तो आपका केस लड़ेगा नहीं। अगर 1-1.5 लाख में भी केस लड़ रहा है तो समझिए कि बहुत कम ले रहा है, अदरवाइज फीस बहुत ज़्यादा होती है वकीलों की वहाँ पर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर लीगल एड अथॉरिटी, जिसको नालसा कहते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये उसका ऑफिस होता है, वहाँ से आपको फ्री का वकील मिल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो मेंटेनेंस जो होता है दोस्तों, वो इसलिए दिया जाता है कि अगर पत्नी पति से अलग रह रही है तो उसको जो है एक भरण पोषण जो है वो मिले, ताकि जो पत्नी है उसका कोई नुकसान ना हो। और इसके पीछे सामाजिक न्याय की दुहाई भी दी जाती है, और कहीं उस पुरुष का बच्चा है तो फिर उसको तो भरण पोषण की आवश्यकता तो है, क्योंकि वो पढ़ाई भी कर रहा है, उसको खाना पहनना कपड़ा रहना दवाई जो कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर नियम जो है वो बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटेनेंस अब जो है भोग विलास बनता जा रहा है, अब ये मेंटेनेंस नहीं रह गया है, ये कुछ और ही हो चुका है। ठीक है, एक तरीके से एक स्टाइफेंड बनता जा रहा है मेंटेनेंस, कि मोटी रकम मिले, हम कुछ काम ना करें, हम लाइफ को एंजॉय करें। तो इस जजमेंट में जो मैंने अभी आपको बताया, जजमेंट का मैं साइटेशन वगैरह और नाम वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, इजीली गूगल में जजमेंट अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पूरे फैक्ट देखने के बाद ही आपको जो है भरण पोषण तय करना है, आप मन मर्जी भरण पोषण तय नहीं कर सकते। इसके बाद एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों, जो है जलेंद्र पढ़ियारी वर्सेस प्रगति छोत्रे, ये जजमेंट है और ये 2018 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि पति के पक्ष में मनगढ़ंत जजमेंट ऑर्डर नहीं हो सकता। इस केस की कहानी दोस्तों ये थी कि पति जो था उसका पत्नी से डाइवोर्स केस चल रहा था, पति को कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था, किंतु कोर्ट ने एलुमनी का इसमें एक मनगढ़ंत या क्या कहें बिना एनालिसिस के ऑर्डर कर दिया था 15 लाख रुपए, और 15 लाख के अलावा 10,000 का अलग से ऑर्डर किया था जो पत्नी का लीगल खर्चा वगैरह हुआ। उस व्यक्ति ने फिर इस मामले को वापस हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने यहाँ पर फैमिली कोर्ट के ऑर्डर से सहमति जताई और हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये हुआ कि उस व्यक्ति ने, जैसा मैंने कहा, उसने भी हार नहीं मानी, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी इतनी इनकम नहीं है और 15 लाख रुपये उसके लिए देना बहुत मुश्किल है, इतना कलेक्शन उसके पास पैसे का नहीं है, इतना वो नहीं दे सकता,
इतनी उसकी हैसियत भी नहीं है। उस व्यक्ति ने हर तरह के फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे। एनालिसिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जजमेंट जो हुआ है गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन ग्रांट किया कि आप 6 महीने में इस केस को वापस डिसाइड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को कैंसिल नहीं किया, तलाक तो मान था, उस पुरुष को तलाक मिल चुका था जो उसके लिए अच्छी खबर थी, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि 15 लाख का जो ऑर्डर हुआ गलत हुआ, ये बहुत ज़्यादा है व्यक्ति की सैलरी और हैसियत के हिसाब से। इसलिए सुप्रीम जो फैमिली कोर्ट है वो 6 महीने के भीतर इस मामले को वापस से देखे और ख़त्म करे। तो सीधी सी बात है, उसके बाद जो भी ऑर्डर हुआ होगा वो 15 लाख से कम ही हुआ होगा, हो सकता है 10 लाख से भी कम हुआ हो, ठीक है, एक रिलीफ इसके अंदर उस व्यक्ति को मिला था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो हैं वो भारतीय संविधान के मुताबिक उसको मानने के लिए सभी बाध्य हैं। इन जजमेंट्स का अच्छे से प्रयोग करना सीखिए, ठीक है, क्योंकि जो जिला न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे फंसेंगे। आर्टिकल 141 जो है भारतीय संविधान का, उसके मुताबिक भारत के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो कानून के डिपार्टमेंट हो, अदालतें हों, कोई पब्लिक सेक्टर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और गाइडलाइन मानने के लिए बाध्य हैं। गाइडलाइन को फॉलो ना करने पर उन लोगों पर जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी लग सकता है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं इनको पूरी ताकत के साथ कोर्ट में इस्तेमाल किया कीजिए। भरण पोषण के मामलों में शुरुआत से जैसे मैंने बताया कि हावी रहने की कोशिश कीजिए, उसमें जो भी आपके पास पुख्ता सबूत हैं उसको कोर्ट में अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। जो आपकी वाइफ के खिलाफ पुख्ता सबूत है जो आप कलेक्ट कर सकते हैं उसको भी कोर्ट में अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। जब इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर आपने निचली अदालत में अच्छे से सबूत नहीं रखे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी आपके केस में कुछ नहीं कर पाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, कानून जो शायद आपको पता हो ना पता हो, जब हम कोई केस लड़ते हैं तो हमने जो मुद्दे निचली अदालत में रखे हैं हम उन्हीं मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमने कोई मुद्दा या कोई सबूत या कोई गवाह या कुछ भी निचली अदालत में ट्रायल कोर्ट में नहीं रखा है तो हम फिर अलग से बाद में उस सबूत को, गवाह को या कुछ भी जो चीज़ भी आपके फायदे में, उसको हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए ट्रायल कोर्ट में पूरी ताकत झोंक दो। जजमेंट जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, आपको पूरी ताकत झोंकना है उस ट्रायल कोर्ट में। बाकी जो कर्म का फल है वो तो ईश्वर के हाथ में है। तो पूरी ताकत जो है ट्रायल कोर्ट में झोंक दीजिए। जो भी एविडेंस आपके पास हो आपके फेवर में, आपकी कितनी इनकम है, आपकी वाइफ कितना कमाती है, अगर इसका भी सबूत हो पूरा उसमें दे मारो, ताकि जब बाद में अगर मैटर ऊपर जाता है तो जज को लगे कि इसने सभी सबूत दिए हैं फिर भी इसके खिलाफ है जो है क्या हुआ है, अन्याय हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये साधारण सी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपका तलाक हो चुका है और उसके बाद आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तब आपकी पहली पत्नी को जो भरण पोषण आप दे रहे थे वो कम होगा, धारा 127 CRPC, ठीक है, कंडीशन चेंज हुई है, पहली पत्नी का भरण पोषण कम हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने अपनी पत्नी को आप भरण पोषण दे रहे हैं और भरण पोषण के दौरान आपको मालूम पड़ता है कि वो किसी और के साथ रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, तो उसका भरण पोषण कैंसिल होगा, ये भी ध्यान रखें, ठीक है, ये भी रूल है कि अगर तलाक नहीं हुआ है तो, ठीक है, तलाक नहीं हुआ है और आपकी जो वाइफ है वो किसी के साथ एडल्ट्री में रह रही है और भरण पोषण आपसे ले रही है तो उसको भरण पोषण नहीं मिल सकता, ये भी नियम है, इसको भी ध्यान रखें। वो आपसे तलाक लेने के बाद ज़रूर कुछ भी करे, लेकिन जब तक डाइवोर्स नहीं हुआ है तब तक वो ऐसा कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो मेरे ख्याल से
ये चीज़ें मेरे दोस्तों आपको समझ में आई होंगी। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भरण पोषण के केस में। एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो यही कि शुरुआत से आपको अपने एविडेंस पुख्ता रखने हैं। जब भी कोई भरण पोषण का केस लगता है, एकदम से शुरू नहीं होता, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। उस केस में सिंपल सा पहले ये होता है कि आपको नोटिस मिलता है, ठीक है। नोटिस मिलने के बाद आपको जवाब देने का समय मिलता है। और मेरे ख्याल से तो ये होता है प्रैक्टिकली कि वाइफ केस लगाती है, उसके पहले ही मालूम पड़ जाता है कि वो ये वाला केस लगाने वाली है या उसने ये केस लगा दिया है। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सतर्क रहते हुए अपने एविडेंस कलेक्ट करें। उसके अलावा अगर आपके घर पे नौकरानी वगैरह है, आपने रख के रखी है, आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे यहाँ नौकरानी है क्योंकि मेरी पत्नी मुझको छोड़ के जा चुकी है, मुझे खाना बनाए कौन खिलाएगा, मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे कपड़े वगैरह कौन धोएगा, मैंने नौकरानी रख के रखी हुई है और नौकरानी को मैं 5,000 महीना देता हूँ, 6,000 महीना देता हूँ, कुछ नहीं करना है, नौकरानी लानी है, एक एफिडेविट बनवा लीजिए उससे 100 के स्टाम्प पेपर पे, वो एफिडेविट कोर्ट में पेश कर दीजिए, आपका भरण पोषण और कम हो जाएगा। भाई पत्नी का जो काम था मेरे घर पे, अब वो काम जो है मुझे नौकरानी से करवाना पड़ रहा है, तो मैं 5,000 दे रहा हूँ नौकरानी को। हाँ, मेरी पत्नी अगर वो काम करेगी तो मैं उसको 5,000 दूंगा। सीधी सी बात है, अगर ये तर्क आप देते हैं, देखिए क्या होता है कोर्ट में, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो दो इम्पॉर्टेंट जजमेंट हमने बताए हैं, वो जजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अगर अभी आप लोगों का मेंटेनेंस का केस डिसाइड नहीं हुआ है, तो जो भी एविडेंस हैं आप उनको अच्छे से पुटअप कीजिए। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर सीधी सी बात है, हायर अथॉरिटी बैठी हुई है, हाई कोर्ट वगैरह, वहाँ पर जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला वहाँ भी दीजिए, यहाँ पर भी दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह है तो हम मैसेज बॉक्स में उसको क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।